इंडिया स्टैंड प्रेजेंटिंग ग्रेविटी। इस मूवी के स्टार्टिंग पे दिखाया जाता है कि नासा का दो साइंटिस्ट एक स्पेस स्टेशन पे काम कर रहे हुए होते हैं। उनका एक हेड है जिनका नाम है कॉस्की। उनसे सभी परेशान होते हैं क्योंकि वो हमेशा हर बात पे अपनी लाइफ की घिसी पिटी कहानी सबको सुनाने लगने जाते हैं। और दूसरा जो साइंटिस्ट था उनका नाम था डॉक्टर स्टोन, और वो पहली बार स्पेस में काम करने आए थे। वो असल में उस टेलीस्कोप पे एक हार्डवेयर रिपेयर करने के लिए आए थे, और वो हमेशा अर्थ पे काम करते हैं, इसीलिए स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से वो बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हुए होते हैं। उस टेलीस्कोप का नाम था STS-157 हबल टेलीस्कोप। वो बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप था, और डॉक्टर स्टोन इस टेलीस्कोप रिपेयर करने में माहिर थे क्योंकि इस टेलीस्कोप जब बन रहा था तब वो वहाँ पर काम कर रहे हुए होते हैं। और जब काम लगभग ख़त्म ही हो रहा होता है तब अर्थ से अचानक से मैसेज आता है कि आप लोग जल्दी से वहाँ से चले जाओ और अपने कैप्सूल पे वापस चले जाओ, अर्थ से आने की जल्दी से कोशिश कीजिए क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। उन्हें कहा गया है कि रशिया ने एक मिसाइल से उनका एक टेलीस्कोप तबाह कर दिया है, उसका सारा मलबा अब स्पेस में फैल चुका है और वो किसी भी वक्त आकर उनके स्पेस स्टेशन से टकरा सकता है। असल में वो टेलीस्कोप रशिया का एक सीक्रेट टेलीस्कोप था, और वो नहीं चाहते थे कि उनका उस टेलीस्कोप का इन्फॉर्मेशन कहीं भी लीक हो जाए। और जब डॉक्टर स्टोन और कॉस्की लगभग स्पेस स्टेशन पर पहुँच ही रही होते हैं तब ही उन्होंने देखा कि वो सारा मलबा गोली की रफ्तार से उनकी तरफ आ रहे होते हैं। कॉस्की तो बच जाते हैं, लेकिन डॉक्टर स्टोन जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है वो जिस पैनल को पकड़े हुए होते हैं वहाँ पर बहुत जोर से एक मलबा टकराता है और वो पैनल बिल्कुल अलग हो जाता है स्पेस स्टेशन से, और डॉक्टर स्टोन स्पेस में कहीं दूर चले जा रहे होते हैं। और तभी कॉस्की ने कहा कि जल्दी से अपने बेल्ट को उस पैनल से हटा लो, और डॉक्टर स्टोन ने वही किया, उस बेल्ट को अपने बेल्ट को हटा लिए। उस बेल्ट को हटाने की वजह से डॉक्टर स्टोन स्पेस में काफ़ी दूर चले गए। अगर वो बेल्ट को नहीं हटाते तो वो सारा मलबा उनसे टकरा जाता और उनका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता, क्योंकि उतनी तेज़ी से अगर किसी भी चीज़ अगर टकराए तो उसका हालत कैसी होता है वह आप लोग समझ ही सकते होंगे। अलग होने की वजह से डॉक्टर स्टोन बहुत ही ज़्यादा डर गई, और डरने की वजह से वो बहुत जल्दी से सांस लेने लगी, और उसकी वजह से उनका ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म होने लगा और वो जीने की उम्मीद बिल्कुल ही खो बैठी। और तभी उन्हें कॉस्की का आवाज़ आया, डॉक्टर स्टोन क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो? और उन्होंने कहा कि हाँ। और फिर कॉस्की ने डॉक्टर स्टोन को कहा कि अपनी सूट की जो लाइट है वो जल्दी से जला लो। और जब वो लाइट ऑन किए तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर कॉस्की उनकी तरफ आ रहे हैं, और वो लगभग पहुंच गए, उनके जान में जान आ गई। और डॉक्टर कॉस्की ने फिर उनकी सूट की बेल्ट से डॉक्टर स्टोन को बेल्ट को बांध दिया, उसकी सूट को बांध दिया, और वो चलने लगे। असल में कॉस्की की सूट में एक खास किस्म की मशीन लगी हुई थी और जिससे कि वो अपने सूट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो डॉक्टर स्टोन के सूट में नहीं था। और फिर कॉस्की ने कहा डॉक्टर स्टोन को कि अपनी घड़ी पे 90 मिनट का टाइमर सेट कर लो। फिर डॉक्टर स्टोन ने कहा क्यों, और जवाब में कॉस्की ने कहा कि वो मलबा 90 मिनट के बाद फिर से सारा पृथ्वी का चक्कर लगाकर उनका तरफ आ जाएगी, उनसे टकरा जाएगी। और जब वो दोनों बहुत मुश्किल से अपने स्पेस स्टेशन पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके सारे क्रू मेंबर्स जो स्पेस स्टेशन के अंदर थे मलबे टकराने की वजह से उनके शरीर से आर पार हो गए, सारे लोगों की मौत होगी और उनका स्पेस स्टेशन की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। और वो मलबा पहले ही 10 टेलीस्कोप को तबाह कर चुकी है और 10 सेटेलाइट को भी तबाह कर चुकी है, और इसकी वजह से अर्थ से उन लोगों का सारा कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है। और फिर कॉस्की ने डॉक्टर स्टोन को कहा कि यहाँ से 1450 किलोमीटर दूर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अगर वो दोनों वहाँ पर पहुँच सके तो वो आसानी से अर्थ पे पहुँच सकते हैं। तो वो इसके बाद अपना यात्रा शुरू कर लिए, और रास्ते में डॉक्टर स्टोन ने कॉस्की को कहा कि उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन 8% था और वो माइनस होकर अब सिर्फ 1% बचा है, और उन्होंने रास्ते में ख्याल किया कि वो सिर्फ 500 किलोमीटर ही दूर है। और जब वो दोनों स्पेस स्टेशन के बहुत ही ज़्यादा करीब गए तो उन्होंने नोटिस किया कि स्पेस स्टेशन में ठीक 2 थ्रस्टर्स यानी कि 2 कैप्सूल होने चाहिए थे, इसमें से एक कैप्सूल गायब है। इसका मतलब है कि वहाँ के क्रू मेंबर्स उसे लेकर पृथ्वी में चले गए,
और एक कैप्सूल का हालत मलबे की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसका पैराशूट भी बाहर निकला हुआ है। और इसके बाद भी वो दोनों हताश नहीं है। उनमें से कॉस्की ने कहा कि उसमें से एक थ्रस्टर अब भी ठीक किया जा सकता है और उनसे वो अर्थ में बहुत आसानी से वापस जा सकते हैं। और फिर कॉस्की ने नोटिस किया कि उसका जो मशीन था जिसकी मदद से वो डॉक्टर स्टोन को बांध कर ले जा रहे थे, उस मशीन का फ्यूल लगभग ख़त्म हो चुका है। और इसी घटना के बाद कॉस्की ने उसकी मशीन की सारी ताकत यूज़ करके उस इंटरनेशनल स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगे। मशीन की फ्यूल ख़त्म होने की वजह से कॉस्की के उस मशीन पे कोई कंट्रोल नहीं रहा और वो दोनों तेज़ी से उस स्पेस स्टेशन के कैप्सूल वाले पैराशूट पे फंस गए। और कॉलिशन की वजह से कॉस्की का वो बेल्ट टूट गया, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्टोन ने उस बेल्ट के छोरे को पकड़ लिया। स्पीड की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ था वो डॉक्टर स्टोन ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और उसके बाद कॉस्की ने कहा डॉक्टर स्टोन को कि तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन डॉक्टर स्टोन किसी भी तरह से कॉस्की को वहाँ से अकेला छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत बार उनकी जान बचाई है। और फिर कॉस्की ने डॉक्टर स्टोन को कहा कि तुम यहाँ से इस थ्रस्टर्स की मदद से चाइनीज स्पेस स्टेशन पर पहुँच जाओ और अपनी जान बचा लो। और फिर डॉक्टर स्टोन ने कहा कॉस्की को कि मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। और फिर कॉस्की ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। और इस बातें बोलने के बाद ही कॉस्की ने अपनी पॉकेट नाइफ से उस बेल्ट को काट लिया और सारे स्पेस अंधेरे स्पेस में कहीं खो गए। और उन्होंने एश्योर किया कि डॉक्टर स्टोन की जान अगर बच पाए तो उनके लिए यही बहुत काफ़ी है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और फिर डॉक्टर स्टोन उस स्पेस स्टेशन के अंदर चले गए और वहाँ पर उसकी ऑपरेटिंग साइट पर जाकर अर्थ से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो कोशिश करने में नाकाम रहे। और फिर मूवी में यही दिखाते हैं कि स्पेस स्टेशन में अचानक से आग लग जाती है और डॉक्टर स्टोन वहाँ से भागकर उस कैप्सूल के अंदर चली जाती है। और जब वो कैप्सूल को स्टार्ट करती है तो उन्होंने देखा कि कैप्सूल पैराशूट में बहुत बुरी तरीके से फंस गई है और वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाए। और वो कैप्सूल फिर से स्पीड की वजह से रिवर्स उस स्पेस स्टेशन पर टकराने लगती है, लेकिन बहुत मुश्किल से डॉक्टर स्टोन ने उस स्पेसशिप को संभाल लेती है। और इसके बाद जब वो कैप्सूल की इंजन स्टार्ट करती है तो उन्होंने नोटिस किया कि कैप्सूल के अंदर तो फ्यूल है ही नहीं। और इस घटना के बाद डॉक्टर स्टोन ने बिल्कुल अपनी जीने की उम्मीद खो बैठी और कैप्सूल के अंदर के जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग जो सिस्टम थी उसे बंद करके वहाँ पर सो गई। और फिर मूवी में दिखाया गया कि उन्हें हेलुसिनेशन होने लगी कि डॉक्टर कॉस्की उन्हें बचने के लिए और अपनी ज़िंदगी लीड करने के लिए मोटिवेट करने लगे, और ये सिर्फ एक हेलुसिनेशन था। और उसके बाद डॉक्टर स्टोन को होश आ गया और उन्हें एक नया आइडिया आ गया कि वो लैंडिंग करने की प्रक्रिया की मदद से बहुत आसानी से अपनी इस कैप्सूल को आगे बढ़ा सकते हैं और चाइनीज स्पेस स्टेशन पे पहुंच सकते हैं। और ये प्रक्रिया काम भी आई और वो चाइनीज स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे। और कैप्सूल स्टार्ट होने के बाद ही वो जब रास्ते में थे और तभी 90 मिनट पूरे हो गए और वो सारा मलबा उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है, लेकिन डॉक्टर स्टोन ने बहुत साहस लेकर और बहुत मुश्किल से उस कैप्सूल को कंट्रोल कर लिया और उन मलबे से बचकर चाइनीज स्पेस स्टेशन पे पहुंच गए। लेकिन वो जब पहुंचे तब भी सारा प्रॉब्लम गया नहीं था, बल्कि एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो चाइनीज स्पेस स्टेशन पहुंच तो गए, लेकिन उसके अंदर जो कैप्सूल था उस स्पेस स्टेशन के बाहर, उस कैप्सूल के अंदर सारा कीवर्ड, सारा जो कीबोर्ड में लिखा हुआ था वो सारा चाइनीज भाषा में था। उन्हें चाइनीज नहीं आती थी और इसीलिए वो बहुत घबरा गए और रैंडमली सारा बटन प्रेस करने लगे। और लकीली उनका ये रैंडम बटन प्रेस काम आ गया और वो कैप्सूल चलने लगी। लेकिन कैप्सूल जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पे आया तब कैप्सूल में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगा और कैप्सूल का तापमात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन फिर भी वो किसी तरह लैंड करने में सक्षम हो गए और कैप्सूल का पैराशूट ओपन हो गया और वो अर्थ में पहुंच गए और वो एक समुंदर पे लैंड कर गए। लेकिन समुंदर में लैंड करने की वजह से वो कैप्सूल समुद्र के अंदर डूब रहा होता है और वहाँ उसके कैप्सूल के अंदर डॉक्टर स्टोन फंस गए हुए होते हैं, लेकिन वो किसी तरह से कैप्सूल से बाहर आते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद भी वो बचे नहीं, उनका जो स्पेस सूट था वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया था, लेकिन वो बहुत मुश्किल से उसे भी छुड़ा कर फाइनली वो समुंदर के ऊपर आ जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। और इसी तरीके से मूवी ख़त्म हो जाती है।
सो गाइस, इस मूवी की नाम है ग्रेविटी, और यहाँ पर यही देखा जाता है कि ग्रेविटी अगर नहीं हो तो इंसान इस पूरी दुनिया में एक रेत के तिनके जैसा है।